हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द छतरी लाल। आज हम लोग निकले हैं एक एग्ज़ाम सेंटर की तरफ जो सिंगूर मतलब सिंगूर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पड़ता है। और हमारे एक फ्रेंड जो सैराफ अली के रहने वाला है रमेश मुर्मू, उन्होंने यह कमेंट करके बोला था कि उनको यह रास्ते के बारे में बताया जाए, इसलिए आज हम लोग निकले हैं इसे एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बताने के लिए आपको। तो आज हम लोग चलेंगे आपका बेराबेरी सूर्य नारायण मेमोरियल हाई स्कूल जो सिंगूर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पड़ता है, और हम लोग उसी तरह जा रहे हैं। तो आज आप लोग छतरीलाल पर इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और आगे का जो आपको इन्फॉर्मेशन वो भी सब दिया जाएगा। दोस्तों, आपको एक बात बता दें, अगर आप इस वीडियो पर आप आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि आपको अगर ज़रा सा भी स्किप करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जो मेहनत करते हैं, जहाँ जहाँ से जो रूट होता है बताने की कोशिश करते हैं बता देते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई रूट हो अगर जो छूट जाता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसके रिप्लाई कर देंगे। लेकिन आप यहाँ पहुँचे हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा बिना स्किप के। अगर स्किप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपको रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि हमने पूरा प्रॉपर दिखा देते हैं कि अगर आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं या ऑटो से जा सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप उस हिसाब से अपने हिसाब से आप पहुंच सकते हैं। तो प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा और वीडियो को एंजॉय करिए। तो गाइस, वीडियो में खो जाने से पहले, रास्ता समझने से पहले इस वीडियो को आप 2 सेकंड के लिए पॉज करिए। पॉज करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए और इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए, ताकि आने वाला जो एग्ज़ाम है सभी को मतलब आने में यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, वो आसानी से आ पाए। और फ्रेंड देखिए, हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता है, 10 से 12 मिनट का ही वीडियो होता है। आप यहाँ पहुँच रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप किए भी नहीं देखिएगा, एंजॉय करिए आगे। अब मिलते हैं। तो गाइस, जैसा कि हम लोग अब देख सकते हैं सैराफ अली स्टेशन पर आ चुके हैं। तो सैराफ अली स्टेशन पर जब आ जाइएगा आप, तो यहाँ पर आने के बाद तो जैसा कि आपको बता रहा है कि आप अगर तो बैंडल या बैंडल यहाँ से सैराफ अली या बैंडल के जितना दूर के जो रूट से आप अगर आते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद आप सैराफ अली स्टेशन उतर जाइए, वहाँ से ट्रेन पकड़ के आते हैं बैंडल से रूट से जो आप ट्रेन पकड़ के आते हैं। और ट्रेन पकड़ के आने के बाद आप इस सैराफ अली स्टेशन उतर जाइए, और यहाँ उतरने के बाद आप जो है यहाँ से तारकेश्वर लोकल जो है वहाँ पर पकड़ लीजिए, और यहाँ से कामारकुंडू उतर जाइए, और कामारकुंडू अपर में तारकेश्वर लोकल आपको उतारेगा। वहाँ से आप उतरने के बाद उस लोअर कामारकुंडू लोअर में आप आइएगा। तो वहाँ पर लोअर में आने के बाद हम लोग आपको कामारकुंडू भी जाकर दिखा देंगे कि अगर कामारकुंडू से आप उतरते हैं तो वहाँ से कोई ऑटो या टोटो जाता है कि नहीं। ऐसे आपको कामारकुंडू में उतर करके वहाँ से कामारकुंडू लोअर में आकर के बर्धमान लोकल पकड़ के मधुसूदन जाना पड़ेगा, वहाँ भी आपको दिखा देंगे। और जो और अगर आप श्रीरामपुर या श्रीरामपुर से हावड़ा तक के जो रूट है वहाँ से अगर किसी भी स्टेशन से आप आते हैं तो आप डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के बाली चल जाइए। बाली से आप बर्धमान कोर्ट पकड़ के मधुसूदन डायरेक्ट उतर सकते हैं। और अगर आप हावड़ा के वहाँ से कलकत्ता से आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट हावड़ा स्टेशन से बर्धमान कोर्ट पकड़िए, और कोर्ट पकड़ के डायरेक्ट चल जाइए मधुसूदन स्टेशन। और वहाँ से कैसे आप मधुसूदन से कैसे जाइएगा आप जो से बेराबेरी सूर्य नारायण मेमोरियल हाई स्कूल है वहाँ पर, वो भी बता देते हैं। और कामारकुंडू जा करके एक सीन आपको वहाँ भी बता देते हैं, और वहाँ पर हम लोग टोटो या ऑटो से भी पूछ लेंगे कि कोई जाता है, अगर जाता होगा तो आपको भी बता देंगे और भाड़ा भी बता देंगे, और नहीं जाता होगा तो आपको ट्रेन से तो जाना है, वो तो आपको बता ही दिया गया है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग।
तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये कमारकुंडो का जो स्टेशन है, तो आप लोग यहाँ पर उतर जाइएगा, ठीक है। अगर आप तारकेश्वर से आते हैं तो तारकेश्वर का ट्रेन पकड़ के आते हैं तो आप यहाँ पर उतर जाइएगा, और यहाँ से उतरने के बाद जो ट्रेन चेंज करते हैं हम लोग, तो वो चल के आपको दिखाते हैं। नीचे उतरिएगा, इधर से बाहर निकलना, काफ़ी भीड़ है इधर। करके आप लोग लेफ्ट लीजिएगा, और लेफ्ट साइड में जो जहाँ पर ट्रेन हम लोग चेंज कर रहे हैं दूसरा प्लेटफॉर्म पे है, जो वर्धमान से जो गाड़ी कट कर आता है, जो वर्धमान कॉर्ड है, जो हावड़ा से आता है, जो बाली होते हुए जो आता है गाड़ी, तो देख लीजिए ये रास्ता है, आप यहाँ से निकलिएगा बाहर। और यहाँ से आने के बाद हम लोग चलते हैं उस प्लेटफॉर्म पर, जाकर आपको दिखा देते हैं आप लोग कैसे चलिएगा। यहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं, मधुसूदनपुर स्टेशन है, वहाँ जाने के लिए जैसे इंटर करना होता है प्लेटफॉर्म की तरफ। तो ये देखिए हम आ गए हैं नीचे, जो जहाँ से हम लोग ट्रेन चेंज करते हैं, चेंज करना पड़ेगा, चेंज करके आना है, तो उधर से हम लोग आए इस साइड से, और ये कमारकुंड स्टेशन है। आप लोग यहाँ से ट्रेन चेंज कर लीजिएगा, एक यहाँ से 1 किलोमीटर पर है, एक स्टेशन ही पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग यहाँ से आपको बता देंगे कि ऑटो वगैरह क्या जाता है कि नहीं जाता है, वो भी आपको दिखा देंगे। तो आप लोगों ने देखा कि हम ऊपर से जो तारकेश्वर लोकल से आ रहे हैं उधर से उतरते हैं, तो कैसे उतर कर नीचे आना है आपको हमने बताया, तो यहीं से हम लोग को ट्रेन चेंज करना पड़ता है। अगर आप ऊपर से आ रहे हैं तो वहाँ चेंज कर लीजिएगा, अगर डायरेक्ट आप किसी ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको कहीं उतरना नहीं होगा, डायरेक्ट आप लोग सेंटर पर जा सकते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं एग्जाम सेंटर के पास, और वहाँ जाके आप लोगों को दिखाते हैं कि वहाँ से आप लोग कैसे आइएगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमको बता दें कि ऑटो स्टैंड मतलब टोटो स्टैंड है, और आपको यहाँ से 3.5 किलोमीटर पड़ेगा, तो अगर आप अकेले जाएंगे तो आपको ये लोग 40 रुपये चार्ज करेंगे, और आप थोड़ा देर अगर आप होल्ड कर लेते हैं यहाँ पर तो आपको ये लोग यहाँ से आपको एक आदमी का 20 रुपये लोग चार्ज बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग से ये लोग 20 रुपये लेंगे, और यहाँ से 3.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अब हम लोग यहाँ से अपने बाइक से चलते हैं और आगे जाके आपको दिखाते हैं, और वहाँ से जो स्टेशन से आप उतरते हैं वो भी आपको हम लोग इस वीडियो में बता देंगे। तो मिलते हैं आगे हम लोग चलते। तो फ्रेंड्स जैसे कि देखा कि स्टेशन से उतर कर बाहर मतलब अगर टोटो से आप जाना चाहते हैं तो आप लोग उतर कर राइट साइड ले लीजिएगा, ठीक है, और राइट साइड आने के बाद राइट लेकर ही लेफ्ट लीजिएगा। हावड़ा से अगर आ रहे हैं तो राइट लेकर लेफ्ट ले लीजिएगा, और लेफ्ट लेकर वहीं पे आप लोग को टोटो स्टैंड है जो आपको मिल जाएगा, और यही रास्ता है, इस रास्ते से होकर आप लोग को वो लेकर जाएंगे जिस रास्ते से हम लोग अभी जा रहे हैं। तो आप लोग भी देख लीजिए यही सब, इस रास्ते में अगर आप लोग आते हैं तो आपको ये सब देखने को मिलेगा इधर से। और आपको भी पता है हमारा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि एड्रेस तो है ही सब कुछ, बट आप लोग को हम आसपास का क्या है, कैसा माहौल है, वो आपको हम लोग दिखा दे रहे हैं इस वीडियो में, ये ताकि आप लोग कभी आए तो आप लोग को नर्वसनेस फील ना हो कि हम नया जगह पर जा रहे हैं कहीं, या मेरे लिए अचूक जगह है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पीछे जो मधुसूदन स्टेशन है, हम लोग मधुसूदन स्टेशन पहुंच गए हैं, तो हम लोग बाइक से आए, ठीक है। तो आपको बता दें कि जैसे कि हमने अभी कमारकुंडू में आप जो चेंज करते थे जो तारकेश्वर का रूट या मेन लाइन जो भी जो था आपको हमने बताया था कि कमारकुंडू में जो चेंज करना था वहाँ से आप टोटो लेकर कैसे जा सकते थे, अभी हम लोग मधुसूदनपुर स्टेशन पहुँच गए हैं, और यहाँ से आपको हम लोग बता देंगे कि यहाँ से कितना चार्ज लगता है। तो हमने बाहर निकल कर, आप स्टेशन से बाहर उतरिएगा, तो इधर से होते हुए चलिए बैक कैमरा करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए इधर से आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे, जब आप उतरिएगा उतरने के बाद आप लोग अपना लेफ्ट साइड इस तरफ हमें जाना है, लेफ्ट साइड की तरफ जिस साइड में टिकट काउंटर है, ठीक है।
तो हम इस साइड की तरफ जाएंगे यहाँ से उतरने के बाद और बाहर निकल के, और बगल में यहाँ टोटो लगा हुआ है, ज़्यादा तो नहीं है। तो उनसे हमने जब बात किया तो बता रहे हैं कि अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो आपको 50 रुपया लेंगे, और आप वेट करेंगे तो वही 20 रुपया चार्ज लेगा, लेकिन आपको ये लोग डायरेक्ट एग्ज़ाम सेंटर जो है जहाँ पे आप लोग को पड़ेगा आप लोग को वहाँ पे छोड़ देगा। तो देखिए ये टिकट काउंटर है यहाँ पर, ठीक है, और यही यहाँ पे टोटो स्टैंड है जो सामने में। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, अभी स्कूल चलते हैं और जाकर स्कूल कैसे जाइएगा वो रास्ता जो है दिखा देते हैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं ना, काफ़ी सिंगल रास्ता है मतलब, और जो इधर का सीन है काफ़ी बेहतरीन, चारों तरफ खेत है, जो बहुत ही अच्छा लगा इधर इस साइड के एरिया में, मतलब मज़ा आ गया यार, पूरा अपना गांव का याद आ गया, जैसा लग रहा है कि हम भी अपने गांव में आज आ गए हैं इधर आने के बाद। एकदम बिल्कुल गांव जैसा टेढ़ा रास्ता अपना, और सेम बिल्कुल मज़ा आ रहा है यार। तो आप लोग देख रहे हैं जैसे कि चारों तरफ दोनों तरफ खेत है, और खेतों के बीच से एक निकला है रास्ता जो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत मस्त लग रहा है यार। आप लोग रास्ता देख रहे हैं ना कितना टर्निंग किस तरह से। तो आप लोग जब मधुसूदनपुर स्टेशन से जब जाएंगे तो आप लोग को इस तरह का दृश्य देखने को मिलेगा, और आपको जैसे हमने कमारकुंडू से जो बताया था कि आप लोग अगर वहाँ से जा रहे हैं तो वो भी आप लोग को हम लोग दिखाया था, ठीक है। तो अब हम लोग स्कूल पर जाएंगे और वहाँ पर आप लोग को जो कुछ बचा है वो हम लोग बता देते हैं। तो आप लोग थोड़ा इन्जॉय करिए, देखिए मज़ा आ रहा है ना काफ़ी, आप लोग भी गाँव का शेयर करिए यार, एग्ज़ाम देते वक्त आइए। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने कमारकुंडू और मधुसूदनपुर जो स्टेशन है, हमने दोनों जगह से आप लोगों को रास्ता टोटो और ऑटो, और पैदल भी आप आना चाहते हैं तो इस स्कूल पर आप लोग आ सकते हैं, 1.5 किलोमीटर पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ताकि अगर आप पैदल आते हैं तो काफ़ी एडवेंचर आपको फील होगा, जैसे चारों तरफ खेत है और बीच में रास्ता जा रहा है, बहुत मज़ा आया हम लोगों को आए तो आप लोग उससे भी आ सकते हैं पैदल, या आप चाहें तो आप ऑटो तो नहीं है, टोटो वहाँ से आपको मिल जाएगा जो आपको सेंटर पे यहाँ पहुँचा देगा। सामने रोड है जो आप लोगों ने देखा, हम लोग ढूँके तो कितना काफ़ी करीब है स्कूल, तो यही आप लोग का स्कूल है जहाँ पे आप लोग का बंगाल पुलिस जो भी मतलब ऑफलाइन एग्जाम सेंटर जो भी होता है स्टेट गवर्नमेंट का जो भी पड़ता है, तो आप लोग ये सेंटर है आप लोग देख लीजिए, आप लोग को यहीं पर आना है। तो हमने कोशिश पूरा यही किया कि आपको सारा जो हमें पता था वो हमने एक्सप्लेन कर दे इस वीडियो में, और कुछ जो छूट गया तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम लोग जरूर उसका रिप्लाई कर देंगे। तो और आपको जो आसान रास्ता है वो भी हम लोगों ने बता दिया कि कैसा कैसा ये का दो तरह का मतलब आपको जो रूट है कामारकुंडू से भी और मधुसूदनपुर से भी, दोनों जगह से आप लोगों को बता दिया गया है। और आशा करते हम लोग बहुत ही मतलब सिंपलीस्ट वे बताएं आप लोगों को इस रास्ते यहाँ पर आने के लिए, और आपको जो जब आइएगा तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और आसानी से पहुँच जाइएगा। बहुत ही मतलब सुंदर रास्ता है, ऐसा ऑट लाइन में है स्कूल, लेकिन ये क्या मतलब ऑट लाइन में होता है, यहाँ पर आने का जो रास्ता है वो बहुत सहज है, ट्रेन से आकर टोटो से आ सकते हैं, कामारकुंडू से भी आ सकते हैं, मधुसूदनपुर से भी आ सकते हैं, एकदम आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आ सकते हैं। और हाँ, वीडियो का आप लोग स्किप करके मत देखिए, क्योंकि आप लोग स्किप करिएगा ना तो आप लोग फिर प्रॉब्लम हो सकता है कि बोले कहाँ कहाँ गया। 10 मिनट का वीडियो होता है, 10 से 12 मिनट का होता है, थोड़ा वीडियो बड़ा होता है, लेकिन आप लोग के लिए होता है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है, इतना हम बोल रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए यार, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रहे हो, आप लोग के डिमांड पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो और इसके अलावा आपको कहीं और जो सेंटर है आप हमें कमेंट करिएगा, उसका हम लोग भी जाकर वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।